आ गए सब लोग? अभी तक नहीं है। अच्छा, आज हम फर्स्ट टॉपिक ऑफ योर पार्ट वन स्टार्ट करने वाले। पार्ट वन का फर्स्ट टॉपिक मेरे हिसाब से शाओमी स्टार्ट किया है, सेक्स एंड रिलेशंस। अच्छा, ये टॉपिक क्यों पढ़ना है? चलो सबसे पहले तो ये समझ लो। अच्छा, मुझे ये बताओ, व्हाट इज एजुकेशन? अगर आप किसी को बोल रहे हो ही इज एजुकेटेड, है ना? इफ एनीवन सेज दैट ही इज एजुकेटेड, मतलब क्या होता है पता है क्या? नॉर्मल चीजें तो वही रहती है, लेकिन जिसने एजुकेशन लिया है उसको कम उम्र में विदाउट एक्सपीरियंस उसको नॉलेज मिलने लगता है। क्लियर है ना? विदाउट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ही गेट्स द नॉलेज। मतलब उसको शॉर्ट में भी आपने कुछ समझा दिया है ना, समरी किसी चीज की दे दी, किसी चीज को शॉर्ट में समझा दिया, तो उसको समझ जाएगा, देन वी कैन से दैट ही इज एजुकेटेड। अगर आप जिसको मोबाइल किसी ने देखा नहीं है, जिसको मोबाइल का एजुकेशन नहीं है, उसको अगर आप ऑपरेट करने दोगे तो उसको यूज करने नहीं आएगा, है ना? और वही चीज आपको अगर दिया जाए तो आप फटाफट समझ जाओगे उसमें क्या एप्लीकेशन है, उसमें क्या करना है। तो इट इज नथिंग बट यू हैव एजुकेशन अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग। क्या होता है, आप बोलोगे पर्टिकुलरली सेक्स का क्या यूज है ना? आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था, फर्स्ट चैप्टर वॉज पार्टीशन वैल्यू। पार्टीशन वैल्यू में हमने क्या देखा था? जो टोटल डेटा अवेलेबल है हम उसे डिवाइड करके स्टडी कर रहे हैं। वी आर डिवाइडिंग द डेटा एंड एनालाइजिंग। एनालाइजिंग मतलब समझ के लेना। अगर फॉर एग्जाम्पल देर आर 100 स्टूडेंट्स इन स्कूल, या फिर एक क्लास में 100 स्टूडेंट्स है, अगर टीचर को ग्रुप बनाना है एंड देर आर 4 फैकल्टीज अवेलेबल, तो क्या करेंगे? वो 25-25% में बांट देंगे। क्लियर है? अच्छा चलो, यही बात अगर मुझे शॉर्ट में समझाना है, मुझे पता है आप, आपको फर्स्ट चैप्टर मैंने पढ़ा है पार्टीशन वैल्यू, आई नो दैट यू आर एजुकेटेड फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड। मैं आपको सिर्फ बता दूंगा ये डेटा को क्वार्टाइल्स में डिवाइड कर दो। व्हाट आई विल से, डेटा को क्वार्टाइल में डिवाइड कर दो। अब जिसको पता नहीं है वो तो सोचने लग जाएगा ये डेटा क्या चीज है, ये क्वार्टाइल क्या चीज है, यहाँ पे तो स्टूडेंट्स की बात हो रही है, यहाँ पे फैकल्टी रुके वाले, और ये एक स्टेटमेंट देके चले गए कि डेटा को क्वार्टाइल में डिवाइड कर दो। जिसको नॉलेज है, जिसको पता है, वो क्या करेगा? टोटल स्ट्रेंथ निकालेगा क्लास की। आफ्टर रिकॉर्डिंग द स्ट्रेंथ उसे पता चल जाएगा देयर आर 100 स्टूडेंट्स। अगर 100 स्टूडेंट्स है, सर ने बोला है कि क्वार्टाइल में डिवाइड करना है, क्वार्टाइल मतलब क्वा, क्वा मतलब फोर पार्ट्स। टोटल डेटा को आपको फोर पार्ट्स में डिवाइड करना है। ये आपको कब पता चला है? व्हेन यू स्टडीड पार्टीशन वैल्यू। क्लियर बात है? मुझे इतना ही बोलना है, आप जो पढ़ रहे हो वेदर इट हैज अ डायरेक्ट इम्पैक्ट और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट, आपको कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल लाइफ में यूज होने वाली चीजें हैं ये। चलो ये चैप्टर हम देखेंगे सेक्स। अगेन पार्ट वन में, पार्ट टू में। पार्ट वन में अगेन सेट्स, जब मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, सेट मतलब ग्रुप। सेट आपने वर्ड पहले भी सुना होगा काफी टाइम। सेट मतलब क्या होता है? ग्रुप। चलो मैं आपको बोलता हूं, अ सेट ऑफ यसबी फाउंडेशन स्टूडेंट्स। अगर मैंने आपको इतना ही बता दिया, अ सेट ऑफ एसबी फाउंडेशन स्टूडेंट, तो इसका मीनिंग क्या क्या हो गया? लातूर में जितने भी कॉलेज ऐसे हैं कॉमर्स के रिलेटेड, उसके सभी स्टूडेंट्स आ गए, लेकिन पर्टिकुलरली हमें सेट कौन से चीज का बनाना है? अ ग्रुप ऑफ, अ सेट ऑफ एसबी फाउंडेशन स्टूडेंट। मतलब मैंने डायरेक्टली इतने बड़े डेटा को एक शॉर्ट में सेट बना दिया, अ सेट ऑफ एसबी फाउंडेशन स्टूडेंट। वहां पे क्लियर हो जाएगा, आप जो भी ग्रुप में बैठे हो, है ना, टेंटेटिवली 20 स्टूडेंट्स जो है ये एसबी फाउंडेशन के, मतलब ये सेट में 20 एलिमेंट्स है। समझ लो, मैंने और एक नया टर्म इंट्रोड्यूस किया है यहाँ पे। जैसे डिटर्मिनेंट में वी से दैट ईच एंड एवरी नंबर और अल्फाबेट इज नथिंग बट एलिमेंट, वैसे इसमें भी पूरे सेट में जो भी इंडिविजुअल एलिमेंट्स रहेंगे
जो भी इंडिविजुअल नंबर्स रहेंगे, फॉर एग्जांपल आप सभी लोग एसबी फाउंडेशन के ग्रुप में हो, एसबी फाउंडेशन के सेट में हो, आपको हर किसी को एलिमेंट बोला जाएगा, एलिमेंट वन, एलिमेंट टू, आपका जो भी नाम है, यू आर नथिंग बट एलिमेंट ऑफ एसबी फाउंडेशन सेट। समझ में आ रहा है आपको? डेटा को इन्होंने क्या किया है, एक स्पेसिफिक ग्रुप में डिवाइड कर दिया है और उसको नाम दिया है सेट। अगर आपको सेट बता दूं मैं, आपको क्लियर आइडिया आ जाएगा किसकी बात चली। अच्छा, जिसका नेटवर्क में इश्यू है वो समझ लो ये रिकॉर्डिंग चालू है वीडियो, जिस किसी को प्रॉब्लम है बाद में वीडियो देख लेना, यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा आज। कार्तिक आपका मैसेज आया है, ये यूट्यूब पे डाल दूंगा मैं वीडियो। क्लियर है? इसमें सेट में जो भी अंदर जो भी रहेगा, ए बी सी डी है, तो ईच एंड एवरी दिस इज कॉल्ड एलिमेंट, एलिमेंट ऑफ गिवन सेट। अच्छा, ये कंसेप्ट किसने लाया है सेट्स एंड रिलेशन? इट वॉज इन्वेंटेड बाय अ जर्मन मैथमेटिशियन, जर्मन मैथमेटिशियन, इनका नाम मेरे हिसाब से कैंटर था, कैंटर। क्लियर है? आपको एमसीक्यू भी स्टार्ट हो गए अभी 11th में। इफ पॉसिबिलिटी है, देर इज पॉसिबिलिटी दैट आपको एमसीक्यू आए, तो ये बात रहना जरूरी है आपको पता कि सेट्स ये थ्योरी लाई है जर्मन मैथमेटिशियन ने, हिज नेम वाज कैंटर। अच्छा, आपको जनरल मेथड ध्यान में आ गए। अभी उन्होंने क्या दिया है, सेट को अगर आपको एक्सप्लेन करना है, सेट को अगर आपको किसी को समझाना है, देर आर टू मेथड्स। पहली मेथड है रोस्टर फॉर्म, रोस्टर मेथड, एंड सेकेंड इज सेट बिल्डर मेथड। मैंने आपको पहले या सेकेंड चैप्टर में भी आइडिया दिया है, इंट्रोडक्शन लेक्चर में, टुडे इज इंट्रोडक्शन लेक्चर ऑफ सेट्स। जो भी इंट्रोडक्शन लेक्चर में हो रहा है, जो भी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, आपको हर वो चीज लिखना है जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ। क्लियर है? सुनते नहीं बैठना है, जो भी मैं लिख रहा हूँ स्क्रीन पे, हर वो चीज अपने नोटबुक में एक या दो पेज लगने दो, हर वो चीज लिख के लेना है आपको। जो भी मैं एग्जाम्पल दू, जो भी मैं वर्ड यहाँ पे दू, आपको लिखना है। क्लियर है? अच्छा, सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए दो मेथड्स है, फर्स्ट इज रोस्टर मेथड, सेकेंड इज सेट बिल्डर मेथड। रोस्टर मेथड इजी मेथड, सेट बिल्डर एक्सप्लेनिंग मेथड। मतलब क्या हो रहा है, अगर आपको बताना है फॉर एग्जाम्पल अ सेट ऑफ वॉवल्स, क्या होते हैं वॉवल्स, एनीवन? ए आई ओ यू ए आई यू ये वोवल्स है। मुझे रोस्टर फॉर्म में अगर लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, सेट ए। अच्छा, और एक बार नोट इट डाउन, वेन एवर यू राइट द नेम ऑफ सेट, सेट का जब नाम लिखा जाता है, कैपिटल अल्फाबेट या कैपिटल अल्फाबेट में लिखा जाता है। क्लियर है? वेन एवर यू आर नेमिंग अ सेट, उस टाइम आपको कैपिटल अल्फाबेट का यूज करना। और जब कभी आपको एलिमेंट्स लिखना है, एलिमेंट्स जब भी लिखना है, आप स्मॉल अल्फाबेट्स या स्मॉल लेटर्स में लिख सकते। क्लियर है? अच्छा, रोस्टर फॉर्म में मैं आपको बोल रहा हूं अ सेट ऑफ वॉवल्स, तो इसमें कैसे लिखना है फॉर्मेट देख लो यहां पे। आपको जब कभी आप सेट लिखो, आपको करली ब्रैकेट यूज करना है, दिस वे, दिस इज करली ब्रैकेट, दिस इज राउंड ब्रैकेट, दिस इज स्क्वेयर ब्रैकेट, ब्रैकेट। क्लियर है? करली, राउंड, स्क्वेयर, जो भी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है लिख लो, उसके नीचे नाम लिख लो। समझ में आ रही है बात? अच्छा, लिखना कैसे है, सेट ऑफ वॉवल्स, इसमें आपको लिखना है ए आई ओ, और इसको कर्ली ब्रैकेट से ही बंद करना है। फॉर्मेट समझ गए आपको रोस्टर फॉर्म का, आपको कर्ली ब्रैकेट्स का यूज करना है पहली बार, और सेकेंड चीज जो भी अंदर के एलिमेंट्स है, दैट हैज टू बी रिटन इन स्मॉल अल्फाबेट्स। क्लियर है? अच्छा, यही चीज अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना रहा तो इसके लिए एक फॉर्मेट है,
इसके लिए भी फॉर्मेट लिख के ले लो। अच्छा पहले ये लिख के ले लो, उसके बाद मैं आपको बोलता हूँ इसे पढ़ना कैसे। ए इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू एक्स पार एक्स हैज प्रॉपर्टी ऑफ वॉवेल्स, ये लिख के ले लो, मैं आपको वर्डिंग बताता हूं इसका कैसे पढ़ना है इसको। अगर रोस्टर फॉर्म है तो ये है रोस्टर फॉर्म, और सेट बिल्डर फॉर्म के लिए ऐसे लिखा जाता है। अच्छा इसको पढ़ना कैसे देख लो, यहां पे लिख लो इसके नीचे ए इज द सेट ऑफ ए इज द सेट ऑफ ऑल एक्स, यहां पे हमने एक्स लिखा है तो यहां पे एक्स लिख दो, अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, यहां पे ऊपर लिख लेता हूं एक्स सच दैट एक्स हैज द प्रॉपर्टी ऑफ, या एक्स इज एक्स आर वॉवेल्स, एक्स हैज द प्रॉपर्टी ऑफ वॉवेल्स। इसको पढ़ना कैसे है, ए इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, ये लाइन के लिए क्या वर्ड है, सच दैट एक्स हैज द प्रॉपर्टी ऑफ वॉवेल्स, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो ए इज द सेट ऑफ अल्फाबेट्स, उसके नीचे और एक लिख लो यहां पे डिटेल, इसके ही नीचे लिख दो ए इज द सेट ऑफ अल्फाबेट्स वेयर द एलिमेंट्स आर सच दैट द एलिमेंट्स आर, ए इज द सेट ऑफ अल्फाबेट सच दैट द एलिमेंट्स आर वॉवेल, जो भी एलिमेंट्स है वो वॉवेल है, क्लियर है। दिस पर्टिकुलर लाइन रिप्रेजेंट सच दैट, आपका जो भी सेट बन रहा है ए इज द सेट ऑफ अल्फाबेट्स, आपने सेट बनाया है ए आई ओ यू, यहां पे आपको लिखना है ए इज द सेट ऑफ अल्फाबेट्स सच दैट द एलिमेंट्स आर वॉवेल। सबने लिख लिया, कंप्लीट कर लिया, स्क्रीन पे जो भी है सब लिख लिया आपने। वॉवेल्स के आगे क्या है, क्या सॉरी रोस्टर का आवाज नहीं आ रहा है आपका, कुछ क्वेरी है तो मैसेज करो या फिर वापस से रिपीट करो, आवाज नहीं आ रहा है। अच्छा लिख लिया सबने, अच्छा चलो मैं आपको एग्जांपल देता हूं। इसमें एक बात तो क्लियर है, फर्स्ट जो हमने लिखा था रोस्टर मेथड, रोस्टर का सेंटेंस, रोस्टर के लिए कोई सेंटेंस नहीं रहता है, रोस्टर के लिए कोई सेंटेंस नहीं है, आपको इसको पढ़ना है ए इज द सेट ऑफ वॉवेल्स, बस ए इज द सेट ऑफ वॉवेल्स इतना ही रहना है। अच्छा जैसे हमने देखा देयर आर टू मेथड्स टू नेम द सेट, फर्स्ट इज रोस्टर, सेकेंड वन इज सेट बिल्डर। इसमें रोस्टर में कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी आपको, अगर चलो मैं आपको बोलू अ सेट ऑफ इवन नंबर लेस देन 10,
आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। आपको क्वेश्चन आया है सेट ऑफ इवन नंबर्स लेस देन 10, क्या लिखोगे आप? ए इज इक्वल टू 2, 4, 6, 8, लेस देन 10। 10 को कंसिडर नहीं करना है, उन्होंने बोला है लेस देन 10, क्लियर है? तो आप 10 से नीचे लिखोगे सिर्फ। अच्छा वही चीज अगर आपको यहां आ गई तो क्या करना पड़ेगा आपको? यहां पे आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, एक्स इज अ एलिमेंट सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर वेयर प्रॉपर्टीज 2 × x एंड नंबर्स है आपको लेस देन 10। ये आ गया है सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या लिखना है आपको? एलिमेंट्स, एक्स इज अ एलिमेंट सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, इसको पढ़ना कैसे, चलो यहां पे लिख लो, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट मल्टी इन मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 एंड विच इज लेस देन 10। मतलब इसमें एलिमेंट्स आ गए 2, 4, 6, 8, दिस इज रोस्टर फॉर्म, दिस इज सेट बिल्डर फॉर्म। एग्जाम्पल लिख के ले लो। अच्छा एज्यूम आपको सबको रियल नंबर सिस्टम या कॉम्प्लेक्स नंबर की सिस्टम पता है। अच्छा चलो जिसको नहीं पता है मैं अभी लिख के दे देता हूँ बाद में, क्योंकि ये कंटिन्यूएशन में हर क्वेश्चन में लगने ही वाला है। इतना लिख लिया सबने? इतना लिख दिया सबने? स्क्रीन निकाल दूं? आयुष यस सर, यस सर। अच्छा अभी क्या करो, यहाँ पे ऊपर दे दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिखो, यहाँ पे लिख दो आप कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? चलो कॉम्प्लेक्स नंबर का मैं आपको जनरल फॉर्मेट बता देता हूँ क्या रहता है। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जो भी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है नोटबुक में लिखना है। अगेन आई एम रिपीटिंग, एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं चाहिए जिसके बुक में ये सब चीजें नहीं है। लिख लो कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका फॉर्मेट ये होता है, दिस नंबर रिप्रेजेंट्स रियल नंबर, दिस नंबर, दिस जो भी आपको दिखाई दे रहा है बी है, दिस इज इमेजिनरी नंबर। अच्छा रियल नंबर्स में क्या क्या आता है? रियल नंबर्स में क्या क्या आएगा? चलो आप लिख लो यहाँ पे, यहाँ पे नेचुरल नंबर परफेक्ट अभी जो हमने देखा नेचुरल नंबर इसी में आएगा। उसके बाद आप होल नंबर, होल नंबर और नेचुरल नंबर में क्या फर्क है? जीरो रहता है होल नंबर, जीरो से स्टार्ट होता है, इंटीजर्स। क्लियर है? परफेक्ट। इसके बाद रहेगा इंटीजर्स, और क्या रहेगा इसमें? रैशनल नंबर्स आएगी इसमें, रैशनल नंबर्स। उसके बाद क्या आएगा? इरेशनल आएगा, है ना? रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर सब इसी में आएगा। ये जो पार्ट है दिस इज इमेजिनरी, दिस इज इमेजिनरी नंबर, ये लिख के ले लो। आई हमने पढ़ा था ना डिटरमिनेंट में, आई की वैल्यू कितनी होती है? √1, रूट ऑफ -1।
ये माइनस के वजह से तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर आया है इन पिक्चर. अंडर रूट ऑफ माइनस वन इज नथिंग बट आई. हो गया सबका लिख के. अच्छा चलो मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं आपको क्या करना है. चलो मैं आपको रोस्टर फॉर्म में लिख के देता हूं एक. आपको मुझे इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिख के बताना है. ट्राई करो. हाँ सेट बिल्डर फॉर्म ट्राई करो. क्या कैसे लिखना है इसको. सर ए इज सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 8 एक्स बिलोंग्स टू जैसे बिलोंग्स टू जैसे नेचुरल नंबर से वैसे. हाँ एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. हाँ एंड एक्स इज लेस देन 8 एक्स इज लेस देन 8. अच्छा हमने नेचुरल नंबर वर्ड यूज कर दिया है तो यू कैन राइट एक्स लेस देन 8. परफेक्ट. और क्या लिख सकते हो. अगर किसी को इतना डिटेलिंग में नहीं जाना आपने ऐसे लिख दिया विच बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. ये भी लिखा सही है. चलो इसके लिए और क्या लिख सकते हो आप. एक्स इज नेचुरल नंबर विच बिलोंग्स टू एन सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 लेस देन और इक्वल टू 7. ऐसे भी लिख सकते हैं हम. डिटेलिंग में जाना है सिंस यू हैव द यूज द वर्ड नेचुरल नंबर. यहाँ पे आपने वर्ड यूज कर लिया है नेचुरल नंबर. ये भी सही है. परफेक्ट है. आप ऐसे भी लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं. इसको पढ़ना कैसे. ए इज अ सेट सच दैट इट्स बिलोंग्स टू ऑल एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर वेयर एक्स इज लेस देन 8. क्लियर है. आपने अभी तक क्या क्या पढ़ा है सेट में. आपने पढ़ा है इसका रिप्रेजेंटेशन. रिप्रेजेंटेशन दो फॉर्म में होता है. फर्स्ट इज रोस्टर सेकेंड इज सेट बिल्डर. अच्छा इसके नीचे लिख लो हेडिंग डाल के थर्ड पॉइंट वेन डायग्राम. ये फर्स्ट हो गया ये सेकेंड हो गया. नाउ वी आर डिस्कसिंग थर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट. अगर आपको सेट को डायग्राम के टर्म्स में बताना है आपको डायग्राम के टर्म्स में बताना है क्या करोगे आप. चलो हम पहले वाला एग्जांपल ले लेते हैं जहां पे हमें ए आई ओ यू रिप्रेजेंट करना है ना. तो वेन डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट होगा ये. द बिगर बॉक्स दिस बॉक्स इज नोन एज यूनिवर्सल सेट. लिख लो वहां पे यूनिवर्सल सेट. ये ऐसा सेट है यूनिवर्सल सेट जिसमें ईच एंड एवरी एलिमेंट आता है. पर्टिकुलरली आप जो भी एक्सप्लेन कर रहे हो उसका सब कुछ यूनिवर्सल सेट में आता है. अगर मैंने लातूर के कॉमर्स स्टूडेंट बता दिया है देन कॉमर्स स्टूडेंट इज यूनिवर्सल सेट फॉर अस. और अगर पर्टिकुलरली एसबी फाउंडेशन स्टूडेंट्स अगर मैं बोल रहा हूँ तो उसके अंडर एक एसबी फाउंडेशन के स्टूडेंट्स आ जाए. क्लियर है. यहाँ जो स्टूडेंट्स है वो अदर स्टूडेंट्स है हु आर नॉट इन एसबी फाउंडेशन. और ये पर्टिकुलर जो सेट मैं लिख रहा हूँ दिस इज एसबी फाउंडेशन स्टूडेंट. अच्छा अगर आपको एग्जाम्पल लिखना है वॉवेल्स का. क्लियर है. यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय यू. मैं यू बाहर लिख लेता हूँ जिसमें ए बी सी डी ई एफ जी अप टू 26 अल्फाबेट सब के सब आ गए इसमें. पर्टिकुलरली ये जो है मैं इसे ए आई ओ यू ये वॉवल्स का बनाता हूँ. और इसमें जो कुछ भी है वो बाहर है ना. ये बाकी सब एलिमेंट्स इसमें आ जाएगा. अंदर की क्या आएगा इसमें सिर्फ और सिर्फ वॉवल्स. वेन डायग्राम कैसे रिप्रेजेंट करना है आपको.
दिस रिप्रेजेंट्स होल डेटा यूनिवर्सल सेट। आपको जो पर्टिकुलर सेट रिप्रेजेंट करना है उसके लिए अंदर सर्कल या बॉक्स निकाल सकते। क्लियर है सबको? यस सर। दिख लिया सबने जो भी यहाँ पे दिख रहा है? चलो वी यस। गो फर्दर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज इंटरवल्स। सेट्स में सबसे पहले हमने रिप्रेजेंटेशन देखा। रिप्रेजेंटेशन तीन टाइप का था, जिसमें हमने देखा फर्स्ट इज रोस्टर मेथड, सेकंड इज सेट बिल्डर मेथड, थर्ड वन इज वेन डायग्राम मेथड। अब हम देखेंगे इंटरवल्स। इंटरवल में फर्स्ट लिख लो आप ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल लिख दो। यहां पे हमने लिखा है एक्स इज ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 6। फॉर एग्जाम्पल यहां पे सिक्स। क्लियर है? ये ओपन इंटरवल है। ओपन मतलब क्या होता है पता है क्या आपको? ओपन मतलब हमने ये नंबर भी इंक्लूड नहीं किया है, ये भी नंबर इंक्लूड नहीं किया है। 6 से नीचे वाले नंबर्स और 3 से ऊपर वाले नंबर्स ही हमने इंक्लूड किया है सेट में। तो यहाँ पे ये सेट बनेगा ऐसा। ध्यान दो, यहाँ पे मैंने 6 और 3 को राउंड किया है, कलर नहीं किया है उसमें। मतलब 6 एंड 3 यहाँ पे ऐसे लिख लो आप, नॉट इंक्लूडेड। 3 एंड 6 आर नॉट इंक्लूडेड इन द गिवन एग्जाम्पल ओपन इंटरवल। ये सिंबॉल्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, जैसे लिखे आला है वैसे ही कंसिडर करना जरूरी है। यहाँ पे उन्होंने दिया है एक्स इज ग्रेटर देन 3, एक्स इज लेस देन 6, दिस इज ओपन इंटरवल। अच्छा, अगर ये सबने लिख लिया यहां तक, यस सर। सेकेंड लिख लो आप सेमी क्लोज इंटरवल। सेकेंड वन लिख लो सेमी क्लोज इंटरवल। मैं इसको क्या करता हूं, यहां पे सिर्फ ये एग्जांपल में यहाँ पे इज इक्वल टू दे देते हैं। ये जो हमारा ऊपर जो सेट था उसी को मैंने ऐसे लिखा है, सिर्फ यहाँ पे ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 3 ले रहा हूं। अच्छा मुझे ये बताओ ये लाइन कैसे आएगी? अब ड्रॉ करो। यहाँ पे मैंने क्या किया है, 3 को इंक्लूड किया है हमारे सेट में, बट आई हैव नॉट इंक्लूडेड 6 इन माई सेट। मैंने 3 को तो इंक्लूड कर लिया है बट 6 को नहीं किया है। रीजन इज यहाँ पे एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दिया है, इक्वल टू 3, मतलब इसमें 3 भी हमने कंसिडर किया है। यहाँ पे नीचे लिख लो, यहाँ पे जगह नहीं है, मैं ऊपर लिख रहा हूँ। यहाँ पे हमने 3 को इंक्लूड किया है और 6 को एक्सक्लूड किया है, तो दिस इज सेमी क्लोज्ड इंटरवल।
एक पॉइंट इसमें और एक ऐड कर दो आप, ओपन इंटरवल है आपके पास, इसको अगर ये तो हमने सेट में जैसे लिखना है वैसे यहाँ पे लिख दिया है, एक्स इज ग्रेटर देन 3 लेस देन 6, ये ब्रैकेट में हो गया। अगर मुझे ब्रैकेट के टर्म में लिखना है, ओपन इंटरवल को कैसे लिखूंगा मैं, राउंड ब्रैकेट 3, 6 राउंड ब्रैकेट, लिख लो ये भी, ओपन इंटरवल में राउंड ब्रैकेट यूज होता है, इवन ब्रैकेट्स हैव इंपॉर्टेंस। मैंने आपको स्टार्टिंग में लिख के दिया था, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट। तो यहां पे ओपन इंटरवल में दोनों तरफ राउंड ब्रैकेट रहे, सेकेंड हमने क्लोज्ड इंटरवल देखा था, क्लोज लिखा है नहीं आपने, नहीं लिखा। हाँ क्लोज लिख लो, थर्ड वन लिख दो अभी आप, ये निकाल दो, थर्ड लिख दो आप, क्लोज्ड इंटरवल, यहाँ पे लिख दो क्लोज्ड इंटरवल। इसके लिए डायग्राम क्या बनेगा, पूरा 3 से 3 to 6 पूरा, ये भी इंक्लूडेड है, ये भी इंक्लूडेड है, सबके सब इंक्लूडेड है, और यहाँ पे ये पूरा के पूरा कंसिडर हो। दिस इज क्लोज्ड इंटरवल, दोनों भी टर्म्स कंसिडर हो रहे हैं। हमने 3 और 6 दोनों को कंसिडरेशन में लिया है, आपका ओपन हो गया, क्लोज्ड हो गया, सेमी क्लोज्ड हो गया। हाँ सेमी क्लोज में कौन सा ब्रैकेट यूज होता है इसमें, सेमी क्लोज, सेमी क्लोज में सुन लो, यहाँ पे अगर सेमी क्लोज वर्ड यूज है आप तो ऐसा ब्रैकेट आएगा, और अगर आपको सेमी ओपन ब्रैकेट है ऐसा आएगा। इसका मतलब अगर कर्ली ब्रैकेट्स में लिखना रहा तो कैसे आएगा, इसका रिप्रेजेंटेशन लेस देन इक्वल टू 6 ग्रेटर देन 3, यहां पे क्या आएगा, लिख लिया सबने, सर वो अलग अलग ब्रैकेट क्यों है, एक ओपन है यहाँ पे, अगर क्लोज है तो स्टार्टिंग में आपको क्लोज करके लेना है, सेमी ओपन अगर बोला जाए तो यहाँ पे ओपन रखना है स्टार्टिंग। अच्छा चलो, आपको अगर याद रखना है, सुनो ये टर्म अगर याद रखना है आपको, जब कभी सेमी आ जाए और क्लोज आ जाए तो फर्स्ट को क्लोज कर दो, और सेमी के साथ ओपन आ जाए तो फर्स्ट इसको ओपन कर दो, क्लियर है, और उसका अपोजिट यहां पे देना।
है रिप्रेजेंटेशन, ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये नहीं पूछा जाएगा, आपको ये पूछा जाएगा। जैसे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वो लिख के ले लो। अच्छा चलो, आपको कंफ्यूजन हो रहा है, चलो एग्जांपल्स लिख लो नीचे। एग्जांपल्स मैं आपको देता हूं, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर क्या आएगा, या फिर चलो मैं आपको इजी कर देता हूं, सेट ऑफ नंबर्स एक्स ग्रेटर देन फाइव। ये आपको मैंने रिप्रेजेंट करके दिया है, आपको ब्रैकेट के टर्म में लिखना है। कैसे लिखोगे इसको, सुनो यहाँ पे ब्रैकेट देना है। अभी यहाँ पे तो इज इक्वल टू का साइन नहीं है, ध्यान है सबका, यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर देन का साइन है। मैं यहाँ पे फाइव लिख देता हूँ, सिंस दे हैव सेड दैट एक्स इज ग्रेटर देन फाइव, ये आपकी नंबर लाइन है। मुझे एक बात बताओ, नंबर इंक्रीजिंग वे में कौन से साइड रहते हैं, राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड? राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड रहेगा। मतलब आपका अगर ये फाइव नंबर यहाँ पे है तो इसके आगे का जो भी है वो सब कंसीडर करना पड़ेगा। क्लियर है सबको? इसके लिए ब्रैकेट कैसे यूज करना है, आपको ओपन है यहाँ पे, इज इक्वल टू साइन नहीं है, तो फाइव राउंड ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट क्यों दिया है मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे क्लोज कर दिया, क्योंकि आपने जो भी नंबर्स होते हैं ग्रेटर देन अगर बोलना है तो हमें राइट हैंड साइड में जाना, तो यहाँ पे भी राइट हैंड साइड में इन्फिनिटी लिखना है। समझ में आ रही है बात? यहाँ पे ग्रेटर देन फाइव है तो हमें राइट हैंड साइड में ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि नंबर लाइन राइट हैंड साइड में पॉजिटिव होती है, हमें राइट हैंड साइड में जाना है, तो ये जो नंबर है हमें राइट साइड में लिखना होगा। अच्छा चलो आप बताओ, अगर आपको क्वेश्चन आया एक्स लेस देन फाइव, कैसे रिप्रेजेंट करोगे इसे? ब्रैकेट इंफिनिटी फाइव माइनस इंफिनिटी लेस देन, लेस देन कहां तक जाएगा ये? ये लेस देन जाएगा माइनस इंफिनिटी तक, यहाँ पे प्लस इंफिनिटी जाएगा, तो ये माइनस इंफिनिटी मैंने लेफ्ट हैंड साइड में लिख दिया, क्योंकि नंबर लाइन हमारी ये रिप्रेजेंट करती है। अच्छा कॉमा यहाँ पे क्या लिखूं? फाइव, राउंड ब्रैकेट दू या स्क्वायर ब्रैकेट दू? स्क्वायर, राउंड ब्रैकेट देना पड़ेगा, यहाँ पे इज इक्वल टू साइन कहाँ पे है, ओपन है ये, तो इसको राउंड ब्रैकेट देना पड़ेगा। अच्छा चलो मैं आपको देता हूं एक्स इज लेस देन और इक्वल टू फाइव, अब बताओ सर। माइनस इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी पाई और क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, ये जो भी एग्जांपल्स दिख रहे हैं लिख के ले लो नोट। अच्छा अगर आपको ये सब एग्जाम्पल समझ में आ गए हैं, मुझे अभी इसका आंसर बताओ, सेट ऑफ रियल नंबर इसके लिए कैसे लिखूं? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, सबके सब कंसीडर हो रहे हैं, ब्रैकेट के टर्म में कैसे लिखना है? लिख लो यहां पे माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी राउंड ब्रैकेट सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। अगर यही चीज मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना रहा तो कैसे लिखूंगा मैं? कर्ली ब्रैकेट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्योंकि उन्होंने रियल नंबर पूछा है, कॉमा माइनस इंफिनिटी एक्स इज ग्रेटर देन माइनस इंफिनिटी लेस देन इन्फिनिटी कर्ली ब्रैकेट्स। ये क्या हो गया? ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म। सर सेट बिल्डर फॉर्म नहीं समझा। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, आपको उसके जो भी एलिमेंट्स है
उसका फर्स्ट नाम लिखना है यहाँ पे, फिर आपको लिखना है वो कौन से क्लास में रिप्रेजेंट करते हैं, उसका क्लास, और उसके बाद और डिटेल में, मतलब इन शॉर्ट क्या है, आपको अगर ये भी दिया गया तो आपको वो पूछ रहे हैं आपको इससे सेट निकालते आना चाहिए, उसको इतना क्लियरली एक्सप्लेन करो। दिस इज एक्सप्लेनिंग मेथड, मैंने आपको पहले भी बोला था सेट बिल्डर इज एक्सप्लेनिंग मेथड, आपको एक्सप्लेन करना है सेट को, क्लियर है? जितना हो सके जितना अच्छे से एक्सप्लेन कर सको उतना एक्सप्लेन कर दो फॉर्मुलेशन के टर्म में। अब यहाँ पे उन्होंने क्या दिया है, एक्स इज अ एलिमेंट सच दैट, लिख लो नोटबुक में मैं जो लिख रहा हूं यहां पे, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर वेयर एक्स इज ग्रेटर देन माइनस इंफिनिटी एंड लेस देन इंफिनिटी। वेर सर एक बार फिर से बोलो ना। हाँ यहां पे चलो वर्डिंग्स में लिख लो आप, सेट ऑफ नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर इज एक्स सच दैट, सेट ऑफ नंबर्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर वेयर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर वेयर एक्स इज ग्रेटर देन माइनस इंफिनिटी एंड लेस देन इंफिनिटी। लिख के ले लो पूरा वर्डिंग में, सेट ऑफ रियल नंबर्स को हम अलग अलग टर्म्स में कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। फर्स्ट इज रोस्टर मेथड, सेकेंड इज सेट बिल्डर मेथड। सेट बिल्डर की वर्डिंग्स भी लिख के ले लो। लिख लिया सबने? हाँ सर क्या हो कल गया, भी है हो गया ना कंप्लीट? हाँ सर अच्छा इसके बाद लिखो बस फॉर एग्जाम्पल, चलो मैं सुन के ले लो पहले बाद में लिख लेना। यहाँ पे मैं आपको बोल रहा हूँ ए इज द सेट सच दैट इट हैज एलिमेंट्स ए आई ओ। अगर आपको क्वेश्चन आया फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसको रिप्रेजेंट कैसे करना है शॉर्ट में, देख लो यहां पे, एन रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ सेट ए इज इक्वल टू कितना आएगा, 5। कैसे पढ़ना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट ऑफ सेट ए इज इक्वल टू 5, एन रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स, लिख लो अभी। अगर आपको सेट दिया है ए आई ओ यू और आपको पूछा गया है नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो लिखना कैसे उसको, एन ऑफ ए, इसको ऐसे भी पढ़ा जाता है। एन ऑफ ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज इक्वल टू 5।
आपको अगर एमसीक्यू आया, अगर आपको एमसीक्यू आया तो आपको इस जगह पे आपको वर्ड यूज हो सकता है, ठीक के ले लो, कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए, कंफ्यूज करने के लिए देते हो, एन ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, या फिर आप पढ़ सकते हो कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए, कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए। अच्छा ये अगर ये हो गया होगा, नीचे लिख के ले लो, टाइप्स ऑफ सेट्स, टाइप्स ऑफ सेट्स, सबसे पहला लिख लो एम्प्टी सेट। अच्छा नाम से ही आपको पता चल रहा है, एम्प्टी सेट मतलब क्या रहता है? एम्प्टी सेट नाम से क्या लग रहा है आपको? जीरो एलिमेंट्स, हाँ, नो एलिमेंट्स। हाँ, ए इज अ सेट वेयर देयर इज नो एलिमेंट, लिख के ले लो वहां पे, इफ अ सेट कंटेन्स नो एलिमेंट, इफ अ सेट डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट देन इट्स कॉल्ड एज एम्प्टी सेट, देन इट इज कॉल्ड एज एम्प्टी सेट।